नमस्कार, आप सभी का क्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को आज पीछे दिख रहा है, हम बात करने वाले हैं आचार संहिता लागू। पहले तो ये आचार संहिता होती क्या है? तो जिस दिन से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा NCD यानी गाइडलाइन चालू कर दी जाती है, उसी दिन से आपके क्या होता है, आचार संहिता लगी हुई मानी जाती है। इसके अंदर कुछ पाबंदियाँ रहती हैं कि गवर्नमेंट CA काम नहीं कर सकती। जैसे सबसे पहली बात, इसके अंदर वो अपनी सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो प्रलोभन वाली घोषणाएं हैं, कोई सार्वजनिक शिलान्यास करना है वो नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात कि यहाँ पर किसी भी भर्ती की नई की क्या नहीं कर सकते, घोषणा नहीं कर सकते। तीसरा, कुछ बच्चों की कमेंट थी कि सर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो रीट की वैकेंसियाँ थी, क्या वो वापस आएंगी? तो फिलहाल के लिए तो नहीं आएंगी, लेकिन हाँ, या जिनके लिए वित्तीय स्वीकृति गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जा चुकी है वो सभी प्रारंभ होंगी। किसी ने ये कहा था कि सर हमें जॉब तो लग गई, क्या हमारे लिए ज्वाइनिंग जो अलॉट की गई है वो ज्वाइनिंग करवाई जाएगी? बिल्कुल, आपकी ज्वाइनिंग है, काउंसलिंग है, रिजल्ट है, जो प्रक्रिया दिन चल रहे हैं वो सभी के सभी यथावत रहेंगे। लेकिन कुछ वैकेंसियाँ हैं जो कि इसके अंदर अभी तक नोटिफिकेशन या गजट में नहीं निकाला गया है, वो वैकेंसियाँ नहीं करवाई जाएंगी। तो आप सभी अभी जो जैसे कि सहा का आचार्य है उसके लिए भी डाल रखा है, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि इसको RPSC के ऊपर डिफेंड करता है कि करवा भी सकता है और नहीं भी। और फिर रही बात फर्स्ट ग्रेड की, जिसकी हम चर्चा करने आए हैं, सेकंड ग्रेड और फिर तीसरा रीट, ये तो आप सभी को पता है राजस्थान का राष्ट्रीय पर्व है, इसके अंदर सभी के सभी सम्मिलित होते हैं और अच्छी संख्या में। तो आपके बता दें कि ये अभी तो फिलहाल राजस्थान सरकार के द्वारा इनकी कोई घोषणा नहीं की गई है, और नई सरकारी कर रहे हैं वो प्रॉपर तैयारी रखें, क्योंकि 2024 के अंदर जैसे ही सरकार का गठन होगा और इस पर वैकेंसियाँ भारी मात्रा में निकलेंगी। ऐसा नहीं कि अभी इसे छोड़ दें कि 2024 में जब घोषणा होगी तब पढ़ेंगे तो फिर तुम्हारा है आगे समझदार हो ही सही। तीसरा, आपके जो ज्वाइनिंग रिजल्ट हैं और काउंसलिंग है, तीनों की प्रक्रिया यथावत रहने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल नए सिरे से जैसे पढ़ रहे हो बिल्कुल निरंतर जारी रखें और भर्तियों का इंतज़ार ना करें। अभी जैसे करंट में बता दूं, एक आपके पशु परिचर की परीक्षा चल रही है उसकी यथावत रहने वाली है, एक सहायक आचार्य हैं उसकी यथावत रहने वाली है, और भी एक दो जो हाँ आपके RSSB बोर्ड है, RSSB बोर्ड ने जो 17 परीक्षाओं की कहा है वो बिल्कुल जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 तक करवा दी जाएंगी। तो ये कुछ परीक्षा हैं जो चलती रहेंगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आप सभी जो अपनी तैयारी है उसको बरकरार रखें और अपने आगे का लक्ष्य है उसे ध्यान को रखते हुए और इस तैयारी को निरंतर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।